हेलो स्टूडेंट मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर तीन में आपका स्वागत है स्टूडेंट आज हम मैट्रिक्स के मैट्रिक मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं सब करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑपरेशन इन मैट्रिक्स में जो पहला टाइप होता है गाय अपना विच इज इक्वल टू एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पहले टाइप का ऑपरेशन होता है सेकेंड टाइप के ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड टाइप से होता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड फोर्थ टाइप की होती है जो मैट्रिक्स में ऑपरेशन जो होता है गाइज विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन तो गाइज एक चीज़ याद रखनी है हमें जब भी जब भी हम मैट्रिक्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कुछ कंडीशन होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स को करने के लिए तो नंबर वन जो कंडीशन होती है विच इज इक्वल टू जो सबसे पहली कंडीशन होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज बी सेम व्हेन ऐड और सब्जेक्ट टू और मोर मैट्रिक्स इट मीन्स गाइज कि इफ टू इंटू टू की मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों ही दो मैट्रिक्स गिवन है दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर टू इंटू टू होना चाहिए या फिर उनको सप्रैक्ट करना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू इंटू टू होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल गाइज हम पहले टाइप की मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करते हैं गाइज एडिशन ऑप मैट्रिक्स तो पहला एग्जांपल लेते हैं गाइस पहला क्वेश्चन है अपने पास ए मैट्रिक्स की वन है वन टू थ्री फोर एंड बी मैट्रिक्स जो हमारे पास की वन है टू फाइव जीरो माइनस थ्री इफ़ यू एडिट दी टू मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स को एडिशन ऑपरेशन लगाना है देन जो हमें वर्क करना है गाइज ए प्लस बी मैट्रिक्स को एड करना है ए प्लस बी मैट्रिक्स को एड करना है तो ए मेट्रिक्स जो गिवन है गाइज वी नो डैट वन टू थ्री फोर एंड आफ्टर डैट प्लस का साइन है प्लस का साइन मेंशन कर देंगे गाइज एंड बी मैट्रिक्स जो है टू फाइव जीरो माइनस थ्री तो गाइज हमने देखा मैंने कहा कि जो पहली कंडीशन होती है एडिशन के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज बी सेम तो यहाँ पे जो हमने ऑर्डर देखा तो टू रो है टू कॉलम है तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू इंटू टू है एंड जो बी मैट्रिक्स मैट्रिक्स है अपनी उसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू इंटू टू है नाउ वी एड द बोट ए एंड बी मैट्रिक्स तो ऐड करने का सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बेटा सेम एलिमेंट जो होता है सेम एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा ऑलवेज तो यहाँ पर जो अपना एलिमेंट है दिस इज आवर ए वन वन एलिमेंट जो ये वाला एलिमेंट है अपना गाइज ए वन वन है ए वन टू यहाँ पर जो एलिमेंट है बी वन वन ये वाई इस एलिमेंट का नाम है ए वन टू इसका जो नाम है गाइज़ ए टू वन और ए टू टू इस एलिमेंट का जो नाम होगा ए वन टू इसका बी टू वन और बी टू टू तो गाइज जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है ए वन टू ए वन ए वन वन ये नेमिंग कैसे दी जाती है एलिमेंट को जो कि लेक्चर नंबर वन में एक्सप्लेन किया हुआ अपलोड इज लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है तो गाइज मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। होना चाहिए और सेम एलिमेंट सेम प्लेस वाला एलिमेंट सेम प्लेस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा या पे सबट्रैक्ट होगा यहाँ पे जो वन वन एलिमेंट है गाइज वन 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 है और यहाँ पे वन वन एलिमेंट टू है तो गाइज जब हम इसका एडिशन करेंगे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट वन वन वाला एलिमेंट वन वन एलिमेंट के साथ ही ऑलवेज ऐड होगा या फिर सबट्रैक्ट होगा तो इट मीन्स वन प्लस टू वन वन एलिमेंट है तो इसको पोजीशन हमने वन वन दी नाउ वन टू एलिमेंट यहाँ पर वन टू एलिमेंट फाइव है तो टू प्लस फाइव इतने टू प्लस फाइव जो प्लेस लिया वो वन टू एलिमेंट का लिया गाइज टू वन एलिमेंट है यहाँ पर टू वन एलिमेंट जीरो है तो टू थ्री प्लस जीरो टू वन एलिमेंट को टू वन एलिमेंट के साथ एडिशन किया सब टैक्सन होता है गाइज सब्टन भी सेम प्रोसीजर होता है एंड टू टू एलिमेंट को टू टू एलिमेंट के साथ ऐड किया प्लस माइनस माइनस गाइज तो इन दिस वे हमने एलिमेंट को कंबाइन किया एडिशन किया तो एडिशन करने के बाद जो अपना रिजल्ट आया है गाइज विच इज इक्वल टू टू और वन थ्री थ्री सॉरी थ्री प्लस जीरो थ्री सेवन एंड वन दिस इज आवर रिजल्ट एडिशन ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स रिजल्ट अगेन गाइज अगर अनदर एग्जाम्पल लेते हैं विच इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स जो हमारी गिवन है थ्री टू फाइव माइनस सेवन जीरो माइनस थ्री फोर फाइव सिक्स and B matrix is given to वन two two टू वन two two टू वन Now, इसमें जो हमें find out करना है A plus B matrix find out करनी है गाइज B पार्ट है B माइनस ए तो यहाँ पे हम सब्टशन ऑफ मैट्रिक्स भी हम देखेंगे कि कैसे हम सब्टशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं तो गाइज सबसे पहला जो अपना पार्ट है ए प्लस बी पार्ट है तो ए मैट्रिक्स जो गिवन है हमें ए की जगह ए मैट्रिक्स प्लेस कर देंगे गाइज विच इज इक्वल टू थ्री टू फाइव थ्री टू फाइव माइनस सेवन जीरो माइनस थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इसके बाद जो साइन है गाइज प्लस है फिर बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स की प्लेस पे लिख देंगे वन टू 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 वन टू 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 वन नाउ एड द मैट्रिक्स तो जैसा गाइज मैंने बताया इसका ऑर्डर थ्री इंटू थ्री है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी थ्री इंटू थ्री है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी दो मैट्रिक्स एड हो सकती है तो हमने देखा जाएगा वन वन एलिमेंट यहाँ पे थ्री है यहाँ पे वन वन एलिमेंट वन है तो वन वन एलिमेंट थ्री प्लस वन आ जाएगा गाइज वन टू एलिमेंट टू प्लस टू जो बीच इज इक्वल टू टू प्लस टू वन थ्री एलिमेंट जो होगा एडिशन के बाद जो हमें मिलेगा गाइज फाइव प्लस टू तो वन थ्री एलिमेंट फाइव प्लस टू टू वन एलिमेंट माइनस सेवन प्लस टू तो माइनस सेवन प्लस टू 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 एलिमेंट जीरो प्लस वन टू थ्री एलिमेंट माइनस थ्री प्लस टू एंड थ्री वन एलिमेंट जो है गाइस अब फोर प्लस टू थ्री टू एलिमेंट फाइव प्लस टू थ्री थ्री एलिमेंट सिक्स प्लस वन तो इन दिस वे दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया नाउ ऐड करने में जो वैल्यू है ये मैट्रिक्स में लिख देंगे काइज फोर फोर सेवन सेवन माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव वन माइनस वन सिक्स सेवन सेवन तो दिस इज दिस इज आवर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी तो सेकंड पार्ट जो इसमें गाइज हमसे पूछा गया है कि बी माइनस ए तो यहाँ पे जो ऑपरेशन रखा है हमारा विच इज इक्वल टू सब सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है तो सबसे में देखेंगे गाइड बी बी माइनस है गाइज तो पहले बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स को मेंशन कर देंगे बी के प्लेस पे वन टू 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 वन टू 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 वन एंड माइनस बी में ए मेट्रिक्स ए मेट्रिक्स की वैल्यू गाइज है थ्री माइनस सेवन फोर टू जीरो फाइव फाइव माइनस थ्री एंड सिक्स तो नाव इसको कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे गाइज वन माइनस थ्री वन वन एलिमेंट को माइनस क्या वन टू एलिमेंट को टू माइनस टू वन थ्री एलिमेंट को टू माइनस फाइव टू वन एलिमेंट वन टू वन एलिमेंट को टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस गाइज प्लस होता है तो हमने इस साइन को कन्वर्ट करके प्लस कर दिया सेवन माइनस माइनस प्लस हो गया सेवन वन माइनस जीरो टू माइ माइनस प्लस ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस थ्री टू माइनस फोर टू माइनस फाइव एंड वन माइनस सिक्स तो इन दिस वे सब टैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाए तो अपना कंप्लीट रिजल्ट आया माइनस टू नाइन माइनस टू जीरो वन माइनस थ्री माइनस थ्री फाइव माइनस फाइव इन दिस वे गाइज हमने देखा बी माइनस ए ऑपरेशन कैसा किया है इसको हम सप्रैक्शन मैट्रिक्स बोलते हैं गाइज अब हम देखेंगे कि तो थर्ड टाइप मैंने आपको बताया था तो थर्ड टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था विच इज इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन में गाई हमें सीखना है कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता कैसे तो फॉर एग्जांपल, हमें एक मैट्रिक्स की बने, है ए इक्वल टू फाइव फोर टू वन एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन टू माइनस टू फोर जीरो थ्री और क्वेश्चन ने find two A, बोला है फाइंड टू ए पहला पार्ट सेकंड पार्ट बोला है थ्री बी फाइंड आउट करना है एंड थर्ड पार्ट इज ए माइनस टू बी फाइंड आउट करना है एंड जो फोर्थ पार्ट है अपने क्वेश्चन का थ्री ए माइनस सेवन बी फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे गाइज तो हमारा जो पहला पार्ट है विच इज इक्वल टू टू है तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन में गाइस क्या करेंगे पहले टू टू है टू लिखा है इसके बाद टू के बाद ए है तो हम ए मैट्रिक्स को मेंशन कर देंगे विच इज इक्वल टू फाइव टू फोर वन नाउ अब हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन में गाइस जो प्रोसेस अप्लाई होती है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो एलिमेंट होता है मल्टीप्लीकेशन वह एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है इट मीन्स टू जो मल्टीप्लाई होगा फाइव के साथ जो रिजल्ट देगा टेन टू में मल्टीप्लाई किया टेन टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर आएगा गाइज फिर टू को नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एट आएगा टू को वन से एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे वन से करेंगे तो टू आएगा तो इन दिस वे गाइज स्केलर मल्टीप्लीकेशन किया जाता है सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है गाइज विच इज इक्वल टू टू थ्री पी बी फाइंड आउट करना है थ्री इंटू बी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स इज आवर माइनस टू फोर जीरो थ्री नाउ मल्टीप्लाई माइनस सॉरी थ्री एवरी एलिमेंट ऑफ बी मैट्रिक्स तो थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया गाइज जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी माइनस सिक्स थ्री को फोर से मल्टीप्लाई किया तो थ्री फोर सा ट्वेल्व थ्री को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो और थ्री को थ्री से करेंगे तो नाइन तो इन दिस वे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर क्वेश्चन में सब या फिर एडिशन ऑपरेशन आ जाए तो कैसे किया जाता है ये भी देखते हैं गाइज तो थर्ड पार्ट है ए माइनस टू पी तो हमने देखा गाइज इसमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी है एंड सब भी है तो दोनों ऑपरेशन यूज हो रहे हैं मैट्रिक्स के तो ए मैट्रिक्स के हमने जगह ए मैट्रिक्स रख दिए गाइज विच इज इक्वल टू फाइव फोर टू वन माइनस टू इंटू बी मैट्रिक्स B बी मैट्रिक्स की वैल्यू जो है गाइज माइनस टू फोर जीरो थ्री नाउ सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे गाइज फाइव फोर टू वन माइनस तो टू टू जा फोर माइनस का साइन माइनस तो, अप्लाई करा टू फोर जा एट टू को जीरो करेंगे जीरो टू थ्री जा सिक्स इन दिस वे हमने सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया नाव अपनी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन तो नाव अब जो ऑपरेशन लगाना हमें सब्ट्रैक्शन तो फाइव माइनस 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 प्लस फोर टू माइनस एट सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा टू माइनस एट टू वन एलिमेंट जो होगा फोर माइनस जीरो एंड टू टू एलिमेंट होगा वन माइनस सिक्स वन माइनस सिक्स टू टू पे यहाँ पे वन एलिमेंट है जी और टू टू पे सिक्स है तो वन माइनस सिक्स स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे इन दिस वे वी आवर रिजल्ट इज विच इज इक्वल टू नाइन फोर माइनस सिक्स एंड फाइव दिस इज आवर आंसर ए माइनस बी टू बी मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट आगाए जिसमें थ्री ए माइनस सेवन फी फाइंड आउट करने को कह रहा है क्वेश्चन हमें थ्री ए माइनस सेवन बी फाइंड आउट की बात कर रहा है क्वेश्चन तो थ्री ए थ्री इंटू ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू फाइव फोर टू वन माइनस सेवन इंटू बी मैट्रिक्स माइन बी मैट्रिक्स को लिख दिया गाइज जब ने यहाँ पे एंड नाउ, फिफ्टीन तीन को पाँच से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थ्री इंटू टू सिक्स थ्री इंटू फोर ट्वेल्व थ्री वन जा थ्री माइनस सेवन टू जा फोर्टीन सेवन फोर था ट्वेंटी एट सेवन इंटू जीरो जीरो सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन तो इस वे में हमने सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया नाउ गाई नाउ सपेक्शन फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस तो फिफ्टीन प्लस फोर्टीन सिक्स माइनस ट्वेंटी एट ट्वेल माइनस ज़ीरो वन वन एल टू वन एलिमेंट है टू वन एलिमेंट गाइस एंड टू टू एलिमेंट विच इज इक्वल टू थ्री यहाँ पे टू टू एलिमेंट ट्वेंटी वन बीस बीस में माइनस है माइनस तो फिफ्टीन और फोर्टीन ट्वेंटी नाइन हो गया ट्वेल्व ट्वेंटी टू एंड एट्टीन विद माइनस साइन तो इन दिस वे वी फाइंड थ्री ए माइनस सेवन बी तो इन दिस वे गाइज हमने देखा कि जो तीन ऑपरेशन जो होते हैं इसके अंदर पहला ऑपरेशन हमने सीखा कि एडिशन कैसे की जाती है मैट्रिक्स की सेकंड सब एंड तो थर्ड टाइप सी का सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स के अंदर तो इसके लिए मैंने रूल बताया ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है ऑलवेज भी ऑर्डर सेम होना चाहिए तो इन वे हम मल्टीप्लाई और एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में थैंक यू